नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीपीएससी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जो आपको बता दें कि वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा के दौरान कदाचार कर रहे थे, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे, उन पे अब बड़ी कार्रवाई हुई है और कुल 20 छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और अब ये अभ्यर्थी आने वाले 5 साल तक किसी भी विभाग के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। और जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक तरफ जहां 170,000 पदों के लिए रिजल्ट आ चुका है, नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, और दूसरी तरफ बीपीएससी की दूसरी बहाली के लिए भी आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले 20 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पे अब गाज गिरी है, जो लोग परीक्षा के दौरान कदाचार कर रहे थे, और इसी में बीपीएससी ने लिस्ट बनाकर इस लिस्ट को जारी किया है। आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है और दूसरे विभाग को भी भेजा गया है, ताकि ये अभ्यर्थी अगर किसी और परीक्षा में शामिल होते हैं तो ये शामिल नहीं हो सकते हैं। इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। तो देखिए, ये कौन कौन से अभ्यर्थी हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आयोग की ये नोटिस जारी हुई है, जिसमें पहला नाम जो है वो अंशु यादव का है, उसके बाद रामानंद कुमार, रंजन कुमार गुप्ता, विकास कुमार राय, विकास चंद्र यादव, हरिप्रकाश, ये सारे नाम हैं जिन लोगों को जो है ब्लैकलिस्ट में डाला गया है आयोग के द्वारा। समीर राज, निरंजन कुमार, सरोज कुमार प्रसाद, ये सारे अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, ये सभी लोग जो है ब्लैकलिस्टेड हो चुका है। अब ये आने वाले 5 सालों तक परीक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी भी विभाग की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि अगला नाम जो है वो राजा राम यादव का है, फूल कुमारी, और भी सारे नाम हैं, कुल 20 नाम हैं। आपको बता दें कि इन 20 नामों में आगे नाम है मधुसूदन प्रसाद सिंह का, उसके बाद जगेश्वर प्रसाद, उसके बाद बलिराम सिंह, कृष्णाकांत सिंह, उसके बाद बिलास शाह, शिव कुमार सिंह, राम यादव, छठू यादव, उमेश यादव, ये सारे नाम जो है, ये 20 नाम है ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों का जिन पे गाज गिरी है। आपको बता दें कि 24 से 26 अगस्त तक जो है परीक्षा आयोजित की गई थी, परीक्षा ली गई थी, और इसी बीच इन 20 अभ्यर्थियों को जो है कदाचार को लेकर पकड़ा गया था और इन्हें अब ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है आयोग के द्वारा। जितने भी विभाग हैं उनको भी ये सूची भेज दिया गया है, ताकि किसी भी परीक्षा में ये शामिल ना हो सके। 20 में से 10 लोग जो है दूसरे लोग की जगह परीक्षा दे रहे थे, देने आए थे, और 5 लोग का आधार कार्ड मिसमैच था। ये सभी लोग जो है, बाकी 2 लोग किसी अन्य कारणों के वजह से जो है ब्लैकलिस्टेड हुए। तो आयोग की बड़ी कार्रवाई की गई है। आने वाले 5 सालों तक ये अभ्यर्थी किसी भी विभाग की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और एक तरफ जहां बीपीएससी की दूसरी बहाली की तैयारी चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे छात्र जो कदाचार करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। आने वाले 5 सालों तक ये अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सकते हैं, हमने आपको नाम भी बताया है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।